एही वीडियो देखुवा समस्त फॉरेस्ट ऑफिसर समस्त व्यूअर्स मानको मोर नमस्कार मु नरेश आ आपन देखछो नरेश कुमार ऑफिशियल YouTube चैनल आजर वीडियो गोटे ट्यूटोरियल वीडियो एही वीडियो रे आपन सिखि परिबे अनुकंपा ऐप द्वारा केमिति कोनोसी वाइल्ड लाइफ द्वारा जदि आपनकर क्षति हेइ छि बा पेडी क्रॉप हो बा कैश क्रॉप हो बा घर डैमेज हो बा आपनकर कैटल किल हो बा ह्यूमन किल हो जहा भी हो केमिति अप्लाई करिवे आउ एज ए इंक्वायरी ऑफिसर जने फॉरेस्ट ऑफिसर केमिति जाई कोन दा स्पॉट रे ताको इंक्वायरी करे बहुत दुईटा जक प्रोसेस मु गोटे वीडियो रे कवर करया पय छि फर्स्ट गोटे डेमोंस्ट्रेशन उद्देश्य रे निजे देखैबी तापर आमे ऑन द स्पॉट को जीवा प्रैक्टिकल करया पय केमिति इंक्वायरी करा जीवो जेहेतु वर्तमान करि एई ऑनलाइन प्रोसेस नुवा करि लॉन्च हेछि तो साधारण जनता बा विक्टिम जे भी अप्लाई करया पय चाहौ छथि पब्लिक तो तांकू एई जिंस संपूर्ण भाबरे जणा नाही तो आमकू दुईटा जक काम वर्तमान तण करया पय पडु छि निजे एज ए पार्टी के पाखे जाहार क्षति होजे एप्लाय करने पड़ू आउ इनक्वारी आमको करवाई पड़ू तो दुईटा जाक प्रोसेस शिखा निश्चित भाव में जरूरी तो आसतु आम स्टेप बाय स्टेप शिखा केमी अनुकंपा आप द्वारा आम एप्लाय करवा कंपेनसेसन प्रथम आम अनुकंपा आप को खोलिया अनुकंपा आप खोलला कि समय एमती गोटे रक्रीन एप्लाय फर कंपेनसेसन खोलीगला तो यही एप्लाय फर कंपेनसेसन आम क्लिक करवा क्लिक कला देखो ऊपर देखा एप्लिकेंट्स नेम मैंने जीए एप्लाय करने चाहूँ विक्टिम जार डैमेज हो तार नाम तापर एप्लिकेंट्स एज तर आधार अनुसार तार एज लिखे तापर फादर और स्पाउस नेम जदि स्त्री डैमेज होता है तेल तार स्पाउस हम तार हजबैंड जदि सेमती तार पुअर कौन सी डैमेज होता है तो फादर नाम ये एंट्री हे रहा मोबाइल नंबर से विक्टिम देदेवे जार डैमेज हो तापर ईमेल आईडी नॉर्मली मफसल अंचल समस्त थाएन जो ईमेल आईडी को आपड़ किसी भी लिखे छाड़देवे जदि अच्छी देदेवेपर देखो एनिमल एनिमल देखो सिलेक्ट जो ऑप्शन अच्छे ये गोटे एरोहेड ये क्लिक कला संपूर्ण भाव में कौ कौ एनिमल द्वारा डैमेज हेल्ले क्षतिपूरण एलिजिबल ये शो कर समस्त नाम देखो ये देखा आपड़ ये देखिए जापरते जोटा द्वारा डैमेज होता सिलेक्ट करेंगे मेनली आमर एपटे इंडियन एलिफेंट द्वारा पेडी क्रॉप डैमेज होता है अदर गाक बहुत कम टाइगर केस रे भी किसी हुए बट कम रेयर केस तो आम ए इंडियन एलिफेंट चूज करवा धरा जो उदाहरण आकार डेट ऑफ अकरेन्स कौ डेट रे डैमेज होती तो से डेट सिलेक्ट करवापर देखो टाइम ऑफ अकरेन्स कौ टाइम डैमेज होती से टाइम ए सिलेक्ट करवा क्लिक करदेला मैंने घंटा शो कर से अनुसार टाइम को आप सिलेक्ट करें सर्कल ये सर्कल देलापर देखो सब प्रकार सर्कल जितेटा भी सर्कल रोचे तो टोटल सब सर्कल ये शो करपर रहा डिजन डिजन क्लिक कले निजर कनसर्न डिजन देदेवे विक्टिम जी कंपेनसेसन पाइबापी एप्लाय कर एरियाटा कौ डिजन एरिया जापर रहा रेज कौ रेज आरंड जापर सेक्शन बीट देदेवे आपत जाना दरकार कौ बीट अंडारे जापर रहा डिस्ट्रिक्ट तो यही डिस्ट्रिक्ट आपदेवे आपणकर कनसर्न डिस्ट्रिक्ट देदेवे रहा ब्लक जे कंपेनसेसन एप्लाय कर ब्लक ग्राम पंचायत और भिलेज गोटे गोटे आपड़ इनपुट देदेगले स्टेप बाय स्टेप सब गाँव गोटे गोटे पेज ओपेन होगा जीव ग्राम पंचायत देदेला गोटे सिलेक्ट आपड़ जब गोटे ग्राम पंचायत दे दूसरी तपर तार से ग्राम पंचायत अंडार के भिलेज रोचे शो कर आपंकर कनसर्न भिलेज को सिलेक्ट करेंगे तापर देखा ये देखो क्रॉप डैमेज जो क्रॉप डैमेज देखा जदि आपर क्रॉप डैमेज होती आप क्रॉप डैमेज जो बॉक्स चिन्ह रोचे टिक मार्क करेंगे कौ प्रकार क्रॉप डैमेज होती लिखे धरा जो सेराल क्रॉप होती कैश क्रॉप होती पेड़ी क्रॉप होती वेजिटेबल क्रॉप होती जोटा होती लिखे बाकी क्या सब एने लिखिदेवे धरा जाऊ उदाहरण आकार पेड़ी क्रॉप होती पेड़ी क्रॉप लिखे बाकी एम टी जो रोचे खाली स्थान ये शून्य स्थान आकार एने लिखिदेवे देख देखु क्रॉप डैमेज एरिया इन एकर केते एरिया अनुमानिक डैमेज होती वन एकर होता पे टू एकर होता पे पॉइंट फाइव एकर भी होता पे जहाँ भी होती तो सही एरिया को ये इनपुट देदेवे उदाहरण आकार जन का धरा जो घर डैमेज होती तो ये घर डैमेज जदि तेल हाउस डैमेज ठीक करेंगे अन्य जो कैटल किल ह्यूमेन ये बॉक्स चिन्ह रोचे या पर टिक मार्क करेंगे ना जो क्रॉप डैमेज रोचे टिक मार्क करेंगे ना जोटाक होटे टिक मार्क करेंगे धरा जो हाउस डैमेज रही है हाउस डैमेज क्लिक करेंगे तापर नंबर ऑफ फुल हाउस डैमेज नंबर ऑफ पार्टली हाउस डैमेज जदि घर संपूर्ण भाव में हाथी द्वारा भांगी जाए वन लिखे जदि नंबर ऑफ पार्टली हाउस डैमेज जदि पार्टली अल्प किसी अंश भांगी जाए वन लिखे आउरटे फांगा छाड़देवे ना एन ए लिखिदेवे से भाया रोचे कैटल किल धरा जो कैटल किल
टाइगर द्वारा वल्फ द्वारा जहाँ भी रही वाइल्ड एनिमल द्वारा कैटल किल हो पार तो से केस्रे आप कैटल किल सिलेक्ट करते आपंकर नेम अफ द एनिमल सिलेक्ट करेंगे धरा जो कैटल किल हो तो कैटल किल आपड़े टिक मार्क करदे ए देखो ये सिलेक्ट रे क्लिक कला यहाँ सब देखा काओ गोट अक्स गोफाल लैम्प सीप एगा भितर जोटा भी किल हो सिलेक्ट करेंगे नंबर अफ आडल्ट और काफ केतेटा मरी माने आडल्ट जदि बड़ मरी बड़ जदि छोट मरी छोट जदि गोटे मरी वन लिखे दुईटा मरी टू लिखे से भाया जदि एपण ह्यूमन ह्यूमन किल हो इंजरी हो तो आप ह्यूमन इंजरी जो बक्स रोज टिक मार्क करने पड़ो टिक मार्क कलापर देखु देखा नंबर अफ ह्यूमन डेथ जदि मनिषर संपूर्ण भाव में मरी जाइए जड़े मनीष तो से केस्रे केत मरी तो जड़े मरी जड़े वन लिखे दुईज मरी दुई लिखे नंबर अफ परमानेंट इंजरी केत परमानेंट इंजरी हो जदि जनकर वन लिखे दुईज टू लिखे से भाया नंबर अफ टेम्पोरारी इंजरी जदि अल्प मात्र के किसी इंजरी होते जनकर वन होते वन लिखे टू होते टू लिखे तीन जनकर थ्री लिखे जदि केवल टेम्पोरारी इंजरी होेम्पोरारी इंजरी में वन लिखे बाकी अगर एन लिखिदेवे वाइस वर्सा ठीक से भाया जदि ह्यूमन डेथ मात्र जनकर डेथ हो दुजार डेथ हो बाकी आउ कहीं इंजरी होना तो से केस्रे एगार एन लिखे ह्यूमन डेथ वन कि टू लिखे देखते बैंक डिटेल्स देखा बैंक डिटेल्स जी कंपेनसेसन पाइबा एप्लाय कर बैंक डिटेल्स मागुच तो नेम अफ दि बैंक कौ बैंक से लिखिदेवे तापर बैंक अकाउंट नंबर ये देते तापर तार आईएफएससी कोड देते ब्रांच देते कौटी कौ ब्रांच अकाउंट रही तल को देखते ठीक अच्छे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ रे क्लिक कले देखते वोटर पान आधार यहीक देखा तो मेनली आधार मफसल अंचल बेसी थाए पान प्राय थाए ना आउ वोटरटा को एतटा वैलिड माना जाए तेणु आईडी प्रूफ में आज क्लिक करेंगे आधार टी देदेवे पासबुक कॉपी रे जो अकाउंट डिटेल्स ये उपरे देले से पासबुक कॉपी रे आपण जाई करी बैंक डिटेल्स को अपलोड कर देबे तार जेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल हो ओरिजिनल जदि आपण डायरेक्ट फोटो क्लिक करके अपलोड करछन्ती ताले इमेज क्वालिटी टिके भल रहइबो रिजेक्शन रो चांसेस बहुत कम रहइबो सेइ भले रहला क्रॉप डैमेज रे देखंतु देखौ छी एडी फोटोग्राफ ए जो फोटोग्राफ देखौ छी फोटोग्राफ रे जोउटी क्रॉप डैमेज हेइ छी सेइ प्लॉट रे छिडा हेइ करी से लोकर फोटो उठेबा पई पडिबो जो फोटो क्लिक करले ऑटोमेटिकली जियो टैग हो जाए देखो एनओसी को शेयर होल्डर वा लैंड ओनर एनओसी कहूँ जदि जड़े एकनामी चाषी चाष कर तार आउ कहीं उत्तराधिकारी नाहले एनओसी मगुच जदि उत्तराधिकारी अच्छा अन्य माने ताहले अन्य भाई मान एनओसी सब ए लगे मैंने लिखिदेवे से भाई चाष कर जमीटा को सी जदि कौन क्षतिपूरण पाए आमर ए कौन आपत्ति ना जदि भाग चाषी कहीं कर तार से जमी नुहे अन्य मालिकर चाष कर सही केस्रे जे भाग चाषी कर तार क्षति होती तेणु सीए कंपेनसेसन पाइब से केस्रे लैंड रो मालिक जीए सीए लिखिदेव जे मोर जमीटा को यही व्यक्ति चाष कर भाग चाषी आकार तेणु तर जो वाइल्ड एनिमल द्वारा डैमेज हो क्षति होती तार संपूर्ण भाव में कंपेनसेसन पाइबापी से हकदार अटंती से पाइले मोर कौन आपत्ति ना सेटा को तले सिग्नेचर कर देले सेटा वैलिड माना जीवो जदि लोकल सरपंच मानकर सिग्नेचर करके गोटे स्टाम्प लगे आहरी बेटर कथा आर आर वा सेल डीड से केस्रे आपर रेकर्ड अफ राइट्स एथेरे तार से जो जमी पट्टा जो प्लॉट्रे डैमेज हो जमी पट्टा को अपलोड करेंगे फ्रंट पेज आर आर देखते कपी दुई तीन चार चार्टा दे बेले बेले कौन थाए गोटे गोटे पट्टे बहुत गाक प्लॉट थाए से केस्रे तीन चार कपी जेरक्स बाहरी थाए तो से गोटे पटारे फ्रंट आउ बैक साइड ही कवर हो प्लॉट नंबर तो आर आर कॉपी वन तार फ्रंटा अपलोड करेंगे एवं आर आर कॉपी टू रे तार बैक साइडटा अपलोड करेंगे आउर मुझे रखुच्छी जो प्लॉटा डैमेज हो प्लॉटा को टिक मार्क कर दिए हाइलाइट कर देते जहाद्वारा कि इनक्वारी अफिसर जी जीवक इनक्वारी करने इजी हे से भाया जब हाउस डैमेज हो हाउस डैमेज फोटोग्राफ देखो वन टू थ्री फोर तापर देखो आर आई रिपोर्ट आर आर बा सेल डीड कॉपी देखो फोटोग्राफ्रे घर भांगी तो से घर मानक फोटो सब उठा जतटा आवश्यक पड़ू ये फोटो उठे पारे वन टू थ्री फोर में रहा आर आई रिपोर्ट आर आई गोटे रिपोर्ट देवे जे से जो घर भांगी से आपणकर ना अच्छी आउ जो प्लॉट्रे अच्छी जो घरवाड़ी किसम अच्छी से प्लॉटार आर आर रेकर्ड ऑफ राइट्स सेल डीड एथेर अपलोड करेंगे जदि आप कैटल किल हो केस्रे फोटोग्राफ आउ बीए सर्टिफिकेट मागुच कैटल भितर तो देखुले कौ कौ जा उफालो काओ सीप एमती मेचे अच्छा जो मान कैटल ग्रुप जदि कौन डैमेज हो किल हो केस्रे फोटो उठो तापर भीए सर्टिफिकेट लोकाल आपंकर जो
कनसर्न भिएस रोचे भेटनारी अफिसर तक गोटे सर्टिफिकेट देते जे एक्चुअली यहाँ वाइल्ड एनिमल द्वारा किल होती ह्यूमन डेथ केस देखो देखा जदि कौन मनीष मरी से केस फोटोग्राफ मगुच डेथ सर्टिफिकेट मगुच लीगल हेयर मगुच पीएम रिपोर्ट मगुच आउ पुलिस एफआईआर रिपोर्ट मगुच सरपंच रिपोर्ट मगुच पुलिस रिपोर्ट मगुच जदि कौन ह्यूमन डेथ होता है ताको कंपेनसेसन एप्लाय करने पूर्व आपन को यो डॉक्यूमेंट का मगुच ये वैलिड डॉक्यूमेंट को आपको कलेक्ट करने पड़ो यार टिके टाइम किसी दिन लगे ये सर्टिफिकेट को आपको आसवापी तेणु यही सर्टिफिकेट सब आपको आसगला आपको एप्लाय करेंगे फोटोग्राफ्रे देखो जो मनीषा मरी जाकर फोटोग्राफ ए अपलोड हम तापर डेथ सर्टिफिकेट ये अपलोड हम तापर रहा लीगल हेयर जी मरीगला केतेज लीगल हेयर होती उत्तराधिकार होती रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ आपको हस्पिटाल तरफ मिलजि पुलिस एफआईआर रिपोर्ट जड़े डेथ कर गले गोटे केस होता है पुलिस स्टेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो से आपको गोटे कपी दिखती से एफआईआर रिपोर्ट एपलोड करपर देखते सरपंच रिपोर्ट आपंकर जो कनसर्न सरपंच रोचे लोकाल सरपंच सी गोटे सर्टिफाई करके देते पेड़े ये व्यक्ति ये गाँव रसींदा थी तो गत एत तारीख दिन ए हाथी द्वारा वाइल्ड एनिमल द्वारा डेथ हो भल भाव जाने यह मोर सत्यवान अटे जहाँ भी होता पेड़े लिखिक देते सिल मारे भैलीड माना जो आपर रहा पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन आपको मिलजि तपर देखो ह्यूमन इंजरी जदि मनीष डेथ करना बट इंजर्ड हो तो इंजर्ड केस फोटोग्राफ से जी इंजर्ड होकर फोटोग्राफ अपलोड करपर देखते देखो मेडिकल सर्टिफिकेट यही मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हस्पिटाल मिलजि आपणकर मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर लिखिदेवे से पार्शियल इंजर्ड हो पार्टली इंजर्ड हो फुल्ली इंजर्ड हो से अनुसार सी लिखिदेवे आउ से इंजरी रत मात्र इंजरी से बेस करके तार कंपेनसेसन मिले देखो सबका स्टेप तो मुझे कवर कली देखो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इनफॉर्मेशन आर करेक्ट ये बक्सटा रोचे ये बक्स क्लिक करदे सबमिट करदे यहीटाक एप्लिकेसन टाक पड़ेज आमर कनसर्न रेंजर स्टाफ मन पाक समस्त मोबाइल जहाँ जहाँ भी मोबाइल रजिस्ट्रेशन होती है समस्त पाक पड़ेज और रेंज अफिसर जो पोर्टाल रोचे सेो करतापर से कनसर्न रेंज कनसर्न बीट बा कनसर्न सेक्शन स्टाफ जी भी आसिकी या इनक्वारी करेंगे जोसी फरेस्ट अफिसर जार कि मोबाइल अनुकंपा आप रजिस्टर होटा जाणी पूरा संपूर्ण भाव में टोटाली कौ एनिमल द्वारा हेल्ले केमती कंपेनसेसन पाइबे कौ क्रॉप डैमेज हेले केमती पाइबे कैटल किल हेले केमती पाइबे ह्यूमन इंजरी हेले केमती पाइबे ह्यूमन डेथ केस रे केमती पाइबे हाउस डैमेज हेले केमती पाइबे टोटल कवर हला बट मेनली एई इंसिडेंट सबका जितको मुझ कवर कली सबका को प्रायत हुए ना मेनली आमर एटी हाथी द्वारा क्रॉप डैमेज बेस होता है तो मुझे प्राक्टिकल एलिफेंट द्वारा क्रॉप डैमेज जो होटा को मुझे अपलोड करी एज ए एप्लिकेंट तापर मुज ए इनक्वारी अफिसर मुझे जाइए अन द स्पॉट रे इनक्वारी करी यही सेम काम को आपण कंप्यूटर रे करें अप्लाय करें देखो ये स्क्रीन में शो करुच्छे जो लिंक मुझे गवर्नमेंट पोर्टाल अनुकंपार एथेरे क्लिक करके आपरे लॉगिन होकर एज सिटीजन पोर्टाल अप्लाय करें आपण समस्त पाखे मोबाइल अच्छी जदि मोबाइल थी आप निजे यहाँ को मोबाइल करेंगे डिफरेन्स है ये देखिपे जो स्क्रीन में शो करुच्छे मोबाइल हेले ऑन द स्पॉट रे आपको डायरेक्ट जाइए फोटो उठाई पड़ो आदि मोबाइल न करके आपड़ सिस्टम कर जनसेवा केन्द्र में करते केस फोटो को आपड़ आगे उठेक रखिथे जिओटा किमे जमीक नोट कैम उठेले से भैलीड बोली मना जाए नोट कैम फोटो उठे थे ऑन द स्पॉट रे से ही फोटो को जो जगह फोटो मगुच से जगार ही अपलोड करेंगे पूर्व आपको यहाँ फोटो का पेन ड्राइव रे बा मेमोरी कार्ड रे बैकअप नहीं जाकर सिस्टम रे बसिक अपलोड करने पड़ो देखिपे ये अपलोड ऑप्शन आसी सिस्टम रे बट मोबाइल देखो साइड रे जो चलती से देखिए आपण आपको डायरेक्टली क्लिक करके अपलोड करने तो आसतु आम गोटे ऑन द स्पॉट को जीवा प्राक्टिकल करके देखा केमती गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप फिलअप कराए प्रथम आम अनुकंपा को ओपन करवा ओपन कला देखते गोटे ये इंटरफेस फर्स्ट टाइम शो कर तापर किसी समय गला परे आमे लैंडिंग पेज रे पहुंची जीवा जो थे कि अनुकंपा आप द्वारा आमे कंपेनसेशन पाई अप्लाई करवा देखो बर्तमान से पेज रे आमे जाई कि पहुंची जाइछे एनसियोर हो कि आपनकर जोटा क्षति हो जोड़ा सिटीजन रो जहाँ भी क्षति जहाँपाई अप्लाई करने चाहते क्षतिपूरण पाइबा चाहूँ कंपेनसेशन पाइबा चाहते जो वैलिड डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़े से सब डॉक्यूमेंट आपखे रही दरकार कहीं आगे से अपलोड करने माग स्टेप बाय स्टेप बर्तमान देखो सभा टॉप्रे रहा एप्लिकेंट नेम गोटे गोटे जहाँ भी शो करुच्छी सब आमको गोटे गोटे फिलअप करने पड़ो
बर्तमान मुझे एप्लिकेन्ट्स नेम फिलअप कर भिडियोटा लेंदी होती है तेना मुझे सबका टे स्पीडअप कर कि आप जापर कौन कौन मुझे फिलअप करुच्ची बट टे स्पीडअप रोज भिड तो एज देखिए आधार अनुसार जहाँ रोचे तार एज एज देदे तापर फादर डिटेल्स देदे मोबाइल नंबर देखा मोबाइल नंबर देदे देखते देखा ईमेल आई डी जो अच्छी तो रखिए अदरवैज फांका रखीदे किसी आवश्यक ना डेट अफ अकरेन्स कौ डेट रे घटना घटी होती तो से डेट को आम सिलेक्ट करवा देखो यहाँ स्क्रॉल ऊपर तल कले डेट चेंज हे तो मुझे डेट बर्तमान चेंज कर दूँ तापर देखो टाइम मागिला तो टाइम रे जाइए मुझे जो घंटा शो करुँ घंटार जो टाइम क्षति होती से टाइम टाक मुझे सिलेक्ट करने तापर सर्कल मागुची सर्कल आमर बारिपदा सर्कल तो मुझे बारिपदा सिलेक्ट करुच्ची बारिपदा पर देखो डिविजन मागिला डिविजन बारिपदा रेंज मागुची रेंज रे देखो मुझे देली आम रेंज कप्तिपदा तापर सेक्शन रे आमर सरत सेक्शन तो सरत सेक्शन बीट एटा आमर सरत बीट अंडारे जाउची तो मुझे सरत बीट सिलेक्ट कर देली तापर देखो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एटा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे जाउची तो मयूरभंज मुझे सिलेक्ट करने तापर जा ब्लॉक ब्लॉक एटा कप्तिपदा ब्लॉक रे जाउची मु कप्तिपदा सिलेक्ट कली तापर ग्राम पंचायत रे एटा सरत पंचायत रे जाउची मु एथरे जाई सरत सिलेक्ट कर देबी सरत सिलेक्ट कली तापर देखो विलेज विलेज रे एटा जाउची हमर गौरचंद्रपुर रे तो मु एटा गौरचंद्रपुर सिलेक्ट कर नाउची तापर एटा देखो क्रॉप डैमेज देखाउची तो जेहेतु हमर धान खेत नष्ट होई छी एटा गोटे क्रॉप रे जाउची तो एथरे विभिन्न प्रकार क्रॉप रहउची सेरेराल क्रॉप रहउची कैश क्रॉप रहउची पेडी क्रॉप रहउची आउ वेजिटेबल क्रॉप रहउची एथरे देखंतो आमे पेडी क्रॉप पर जेहेतु आमर खेती हेछि तो आमे पेडी क्रॉप रे केवल पेडी क्रॉप लेखिबा बाकी जगह को खाली स्थान रे आमे एन ए बोली लेखि देबा ठीक यार वाइस वर्सा जदि पेडी क्रॉप जगह रे कैश क्रॉप डैमेज हेतला ताले कैश क्रॉप रे आमे कैश क्रॉप लेखाते बाकी जगह को एन ए लेखि दिथांते तापर देखंतो देखौछि क्रॉप डैमेज एरिया केते एरिया बा केते एकर रे नष्ट हेछि तो एथरे मु 1 एकर बोली लेखि देउछि एथरे नेम ऑफ द बैंक मागुछि तो बैंक रे आमे एथरे ओडिसा ग्राम बैंक दे दउछे काहेना जे ओ विक्टिम तार ओडिसा ग्राम बैंक रे अकाउंट डिटेल्स रहिछि तो ओडिशा ग्राम बैंक आम एथे भरीदे तापर तार बैंक अकाउंट नंबर आम ए निर्भुल भाव में भरी नवा तो मुझे तार बैंक अकाउंट नंबर निर्भुल भाव में भरी नौ तापर तार ब्रांच मागुची तो से सरत ब्रांच दे दूँगी कहीं बैंकटा अकाउंट जो अच्छी सरत ब्रांच रे अच्छी आईएफसी कोड मागिला मुझे तार आईएफसी कोड भरीदेली तापर देखो डॉक्यूमेंट रे आईडी प्रूफ देखाउची तो आईडी प्रूफ रे क्लिक कलापर भोटर आउ पान तो मेनली इंडिया रे आधार टाक वैलिड बोली विशेष करी माना जाए पान कार्ड समस्त पाखे थाए नी तो मु आधार को सिलेक्ट कली तो वर्तमान डॉक्यूमेंट टाक कैमरा सामना को आना जीवो तो एटा को भलो भाबर रखिला परे फोटोटा क्लिक हबो तो एटा को सामना को नेली भलो भाबर कैप्चर कली तापर फोटोटे उठेली फोटोटा क्लिक कर देली किछि समय रहिला परे देखंतु ये ओके रे ऑप्शन आसला ओके कर देली तापर पासबुक कॉपी परे मु क्लिक करी पासबुक कॉपी परे क्लिक कला परे देखो कैमरा पुणी ऑन होगा तो पासबुक टाक मुझे भल भाव नेली जमीती कि क्लीअरली इमेजटा आसो बैंक डिटेल्स क्लीअरली भिजिबल हे तो मुके क्लिक करदेवी किसी समय गला ओके ऑप्शन आसला ओके क्लिक कली देखते इमेज स्टोर सक्सेसफुल होगा आसला क्रॉप डैमेज ए फोटोग्राफ्स अपलोड करने मागुची एनओसी मागुची एनओसी मैंने को शेयर होल्डर और लैंड ओनर जहाँ हेल्ले भी एनओसी मागुची तापर रहिला आरआर बा रेकॉर्ड ऑफ राइट्स सेल डीड कॉपी 1, 2, 3, 4 तापर आरआर कॉपी 2 रे आमे क्लिक कले क्लिक कलापर पटार बैक साइड जो कि आम प्लॉट नंबर अच्छे से फोटो उठेदे तो इमेज स्टोर सक्सेसफुल होगा पूर्व कही रखुच्छी जो पटाटा को फोटो उठाऊँच से कौ प्लॉटा से हाइलाइट कर नहीं थे जहाँद्वारा कि जमापड़ कत नंबर प्लॉट रे क्षति होतापर मुझे फोटोग्राफ उपर क्लिक करी फोटोग्राफ उपर क्लिक कलापर जी विक्टिम जहाँ क्षति होता करके प्लॉट में फोटो उठे और फोटो एमती होगा दरकार से गोटे क्लिक रे ही टोटल जो बिलटा नष्ट हो प्लॉटा क्षति से गोटे फोटो रे ही जमी टोटल रिफ्लेक्ट हो तार क्षतिपूरण के पाइबार अच्छी तो ये जो क्लिकटा नौ हाथीटा चली चलिका जाइए तो बहुत नेरो देखा जाऊँगी अंपट आड़े प्लॉट में हाथी खाई तो मुझे एपटे क्लिक करवाको फास्ट सिलेक्ट करी बट एपटे क्लिक करी ना कहीं गोटे फोटो ये संपूर्ण भाव में रिफ्लेक्ट हो पारना तो मुझे सैड चेंज करके सैड में जाइए क्लिक करी देखो क्लिक होती ओके करना रिट्राइव अप्सन में क्लिक कले आउ थे फोटो क्लिक करने अप्सन आसो बर्तमान आम सैडा चेंज कर नहींचे सैड चेंज कलापर मुझे लैंडस्केप मोड्रे फोटोटा उठाऊँ कहीं जो विक्टिम को बिलरे छिड़ा कर फोटो उठाऊँच जमी अधिक एरिया कैप्चर हे तो लैंडस्केप मोड में बर्तमान क्लिक करदे क्लिक कलापर रिट्राइ और ओके ऑप्शन दुटा शो करुच्ची तो ओके रे मुझे क्लिक कली जो आम फोटो क्लिक करे प्रति फोटो ये क्रॉप डैमेज साइड जो फोटो का भी क्लिक कले ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जियो टैग होकर सेव हो ऑटोमेटिकली तो बर्तमान समय आसी जाइए आम जो एप्लीकेशन अप्लाई करुचे तो निर्भुल भाव में इनपुट दिया फिलअप कराई कि नहीं आउ थे चेक करवा
तो सबका आम पिकनिक चेक कलापर सबमिट्र अप्सन अच्छी तो सीधे क्लिक करदे एप्लिकेसनटा सबमिट होम गोटे गोटे स्क्रल करके देखी नौ ठीक ठाक अच्छी ना आउे फाइनाल सबमिट्रे क्लिक करदे एथेर देखिपे एनओसी मुझ अपलोड करना कहीं जहाँ प्लट्रे एप्लाय करने आसी सी एकनामी पटादार अच्छी तो सीधे कहीं उत्तराधिकारी ना तेणु मुझ एनओसी अपलोड करने आवश्यक पड़ा ना बर्तमान सबमिट्रे मुझ क्लिक करदे आउ लोडिंग देखो देखो टी समय पर मत गोटे टोकन नंबर आसीज आउ देखो बर्तमान कनफर्म हो गला गोटे टोकन नंबर सी देदेला ये टोकन नंबर इन फ्यूचर रेफरेन्स काम लगे ता परवर्ती विक्टिम बा सिटीजन रो आ गोटे सेकेंड स्टेप काम रही जोटा कि करदे तार एप्लिकेसनटा आमर जो कनसर्न स्टाफ बा कनसर्न ब्रांच ऑफिस को सिस्टम को पड़े जीवो तो एथिरे देखंतु एप्लिकेसन सिंक रे ऑप्शन अछि तो ए जो एप्लिकेसन सिंक रे क्लिक कर देला परे एप्लिकेंट रो जो एप्लिकेसन डाको कनसर्न ब्रांच बा कनसर्न स्टाफ को पाको पड़े जीवो देखंतु पेंडिंग टू सिंक रे 1 देखौ छी देखंतु बर्तमान एप्लिकेसन इज ऑलरेडी सबमिटेड शो कला तो आमे ओके बटन क्लिक कर दा बर्तमान जो सिटीजन बा विक्टिम बा जे अप्लाई करथुला तार संपूर्ण भाबरे काम सरी गला ता परवर्ती काम रहिला आमर स्टाफ करो जो स्टाफ इनक्वारी करा पाए जिबे हुए तो से फॉरेस्ट गार्ड हेताई परंती बा फॉरेस्टर हेताई परंती बा रेंज ऑफिसर हेताई परंती आउ कनसर्न रेंज रे जते के भी डिवाइस रजिस्टर अछि समस्त को डिवाइस रे एटा सर्वे ही नाही बोली पेंडिंग क्यू रे जाई रही जीवो तो विक्टिम को सहाय करा पाए मु निजे ही एप्लीकेशन टा अपलोड करली तो वर्तमान निजे ही मु ऑन द स्पॉट रे अछि तो मु वर्तमान सेटा को इनक्वारी करकी जीबी देखंतु जोहार वर्तमान अपलोड करली एप्लीकेशन टा एठी शो करू नाही तापरे मु डाटा सिंक रे क्लिक कर देली सर्भे उपरे क्लिक कली सर्भे उपरे क्लिक कला परे असाइन सर्भे रे बर्तमान क्लिक करी असाइन सर्भे रे क्लिक कला परे देखंतु उपरे देखला बाजीनाथ टू जोटा कि मु वर्तमान जस्ट टिके पूर्व एप्लाय करी तो देखंतु तापरे पूरा देखै देला एथरे सरत सेक्शन आउ सरत बिट बोली जोटा कि मोर बिट तापरे देखंतु एठी देखौछि मार्क एप्लीकेशन लोकेशन ए मार्क एप्लीकेशन लोकेशन उपरे आमे क्लिक करी कि जो एप्लिकेंट प्लॉट टा को एप्लाय करी क्षतिपूरण पाइबा पई सेई प्लॉट टा को हमकु मार्क करियार अछि प्रति 5 मीटर रे आमे गोटे गोटे पॉइंट नेले प्लॉटटा भल भाव में मार्किंग हो बर्तमान आम मार्क एप्लिकेशन लोकेशन ले क्लिक करले क्लिक कला पर देखो बाँ कड़े देखु सेफ लोकेशन आउ राइट साइड देखु पिक लोकेशन ये पिक लोकेशन रे क्लिक करले आम प्रत्येक पॉइंट गोटे गोटे कर नवा प्लॉटटा चारिपटे आम प्रति जगह जो भी कर्व थी निश्चित भाव से पिक लोकेशन रे क्लिक करार अच्छी बर्तमान मुझ फर्स्ट टाइम बुली बुल आगे प्लॉटटा को मार्किंग कर प्रथम मुझे पिक लोकेशन पर क्लिक कली तो पॉइंट्स 1 आसीगला एमती प्लॉटटा सारा नाला जिते बड़ प्लॉट होते से अधिक संख्यार पॉइंट से तो एमती का पिक लोकेशन गोटे गोटे पॉइंट नौ नौ टोटाल आमर 9, 10, 11, 12 एमती टोटाल 13 पॉइंट होगा 13 पॉइंट होगा सेव लोकेशन आम क्लिक करदे कहीं टोटाल प्लॉटटा कवर हो परवर्ती स्क्रीन टू टी ऊपर को स्क्रॉल कलापर देखो देखा मार्क डैमेज एरिया लोकेशन एम से जो प्लॉटटा के डैमेज होती एथेर आमको मार्क करिया जे सेई सेम काम होबो किंतु सेथेर आमे टोटल प्लॉट टा बनैथिले एथेर केवल जेतिको डैमेज हिसि सेई सेतिको एरिया टा को आमे पिक लोकेशन आकरे नैकिरी प्रति 5 मीटर डिस्टेंस रे गोटे गोटे पॉइंट नैकिरी से एरिया टा को मार्किंग करियार अछि आउ एथेर मु कहि रखु छी टिके माने जेहेतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे संपूर्ण जिंस जीपीएस उपरे डिपेंड करू छी तो टिके एक्युरेसी कम बेसी रहे तेणु देव साइज रे जेतिको नष्ट होई जीवा हाती जेतिको एरिया रे माडी कि पूरा धरा जो ट्रेल बनै कि जाइ छी ता थारु टिके जस्ट हल्का अधिकारे मार्किंग करेंगे कहीं जैक आरिया जब माड़ी जाए से आप दिखते बहुत कम मात्र आसो ये कंपेनसेसन एत कम आसो जे जो एप्लिकेंट जे अप्लाई कर तार क्षतिपूरण तार टिके भी भरणा हो पारना बर्तमान आम पिक लोकेशन ले क्लिक करवा गोटे पॉइंट आसगला तो ये डैमेज एरिया को मुझे मेजरमेंट करने मुझे 4 पॉइंट नापी चाहूँगी तो जमी कि प्लॉटा गोटे रेक्टांगल आकार डैमेज एरिया आपणकर मिलर जमी डैमेज होती है आप अनुसार इच्छा अनुसार एरिया को मेजर करेंगे प्रति 5 मीटर डिस्टेंस रे बट मुझ 4 पॉइंट रे टोटल कवर करने चाहूँगी तो 1, 2, 3, 4 बर्तमान 4 पॉइंट मुझे नहीं जाऊँगी भिडियोटा स्किप करूँ तो बर्तमान देखो 3 पॉइंट होगा आ गोटे पॉइंट 4 पॉइंट होगा बर्तमान आपको आम सेव लोकेशन ले क्लिक करवा सेव करदे तो बर्तमान सेव लोकेशन ले क्लिक करदे तो सेव लोकेशन ले क्लिक कलापर यह इंटरफेस देखा तो बर्तमान आम से एप्लिकेशन टाक आउ थे टी एज ए इनक्वारी अफिसर चेक कर ना सब निर्भुल भाव में अच्छी ना गोटे गोटे स्क्रल करके चेक करके नौ तो ये देखो टाइम टाक ए शो करू ना तो ये टाइम टाक आम ये इनपुट देवार अच्छे ये देखा बैंक डिटेल्स ये बैंक डिटेल्स देखिए एप्लिकेंट जो बैंक डिटेल्स देता ता ठीक ठाक अच्छी कि ना निर्भुल अच्छी ना चेक करने देखो देखा सर्भेयर इमेज ये सर्भेयर इमेज रे आपड़ क्लिक करी एज ए सर्भेयर आपे आपणकर इमेज टाक नहीं तो बैक कैमेरा द्वारा फोटो आगे आगे कही क्लिक करापारे अदरवैज सेल्फी कैमेरा को ऑन करके निजे सेल्फी मोड रे इमेज टाक कैप्चर करेंगे ओके आउ रिट्राए दुटा देखो जब फोटोटा ठीक आसने रिट्राए क्लिक करके ओके क्लिक कली सेव नहींगला
नेला परे तापर देखंतु एथिरे आईडी प्रूफ डिटेल्स मागुची तो एठारे आईडी प्रूफ आकारे मु आउथरे आधार आउ पासबुक कॉपी रे तार बैंक डिटेल्स आउ क्रॉप डैमेज डिटेल्स रे जेमती फोटोग्राफ आरआर एनओसी जहा जार से अप्लाई समरे अपलोड करितला तो सही जिंस को सही डॉक्यूमेंट को मु आउथरे निजे वेरीफाई करिकि भलो भाबरे निर्भुल भाबरे गोटे गोटे करी अपलोड कर देबी। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ସବମିଟ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏନ୍ ଓ ସି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି, ତ ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି ରେଡ଼୍ର। ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ ଓ ସି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଏକନାମୀ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଏକନାମୀ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏନ୍ ଓ ସି ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଏ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ସବମିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଏନ୍ ଓ ସି ମାଗୁଛି। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଲେଖାଯିବ ଲିଖିତ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ନାମ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ, ଏହିକି ମୋର ଖାତା ନମ୍ବର ଏତେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏତେରେ, ଅଧ୍ୟ ଗତ ତା ତାରିଖ ଦିନ ସମୟ ଏତେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପୋଲ ଆସି ମୋର ଧାନ ବିଲ ମାଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ମୋର ଏହି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ଲଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଲିକାନା ସହିତ ମୋ ନାମରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ରାଶି, ଏହା ପାଇବାର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ରହିଅଛି। ତ ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ବୟାନ ଅଟେ କହି ତଳେ ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେଲେ ଏଇଟା ତା'ର ଏନ୍ ଓ ସି ବୋଲି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଏନ୍ ଓ ସି ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ ଚାଷ ଆକାରରେ କରୁଥିବ, ତ ସେହି କେସ୍ରେ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଛି। ତ ସେହି କେସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ ଓ ସିଟା ଲେଖାଯିବ ସେଥିରେ ତା'ର ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ଲେଖାଯିବ, ଲେଖାଯିବ ଲିଖିତ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଯଦୁ ମଧୁ ଏକ୍ସାଇଜରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ତିନି ଚାରି ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଲେଖି ଦିଆଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା କରିକି ଲେଖିବେ ଏହିକି ଆମ ନାମରେ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଖାତା ନମ୍ବର ଏତେ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏତେକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଗ ଚାଷ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମିର ହାତୀପଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବାନ ଅଟେ କହିକିରି ତଳେ ଦଶପତ୍ର ମାରିଦେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏନ୍ ଓ ସି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇପାରିବେ। ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦେଖାଇଦେଲା, ତାପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାହାର ସର୍ଭେ କଲି ବାଜିନା ଥ୍ରୁରୁ ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଆଇ ଡି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଙ୍କ୍ ଦ ଡାଟା ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ଦ ଡାଟା କହୁଛି। ତ ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି ବା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଡ଼ିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏଡ଼ିଟ୍ ଡାଟାକୁ ଯାଇ ଏଡ଼ିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆଉଥରେ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଯେହେତୁ କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ କରିଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍କ୍ ଡାଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ଟୁ ସିଙ୍କ୍ ୱାନ୍ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍କ୍ରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ରହିଛି ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ତ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିନେବା, ଯେହେତୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଡାଟା ଅଛି GPS କୋଡ଼ିନେଟ୍ସ ଇମେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଟିକିଏ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଡାଟାଟା ଆମର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ବା ସିଷ୍ଟମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ଡାଟାଟା ସିଙ୍କ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଠି ସର୍ଭେ ଟୁ ସିଙ୍କ୍ରେ 00 ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇକରି ଆମର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ସୋ କରିବ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲକୁ ପଳାଇଯିବ, ଆଉ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ଓପେନ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଅନୁକମ୍ପା ପୋର୍ଟାଲରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇବ କେମିତି ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଥିଲା, କେତେ ଏରିଆ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ସୋ କରିବ। ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ଇନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ। ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ସୋ କରିବ। ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସୋ କରୁଥିବ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କେତେ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିଏଫ୍ଓ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ରାଶି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଅନୁକମ୍ପା ଆପ୍ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦିଓ ଟିକିଏ ଲେନ୍ଦି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 100% ସିଓର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯିଏ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ
କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଆମର ମୋ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଶିଖିବାର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।